मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुरुक्षेत्र दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम धुराला गांव जाएंगे। यहां पर सीएम पशु अस्पताल परिसर में सुबह 10:20 पर जनसंवाद करेंगे। इस गांव के खेल मैदान में दोपहर 12:40 पर जनसंवाद करेंगे। यहां से मुख्यमंत्री अभिमन्युपुर गांव पहुंचेंगे। यहां सीएम सामुदायिक केंद्र में शाम 4 से शाम को 5:30 तक जनसंवाद करेंगे। और इस वक्त दर्शन कैत मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। दर्शन, आज के मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइए। हाँ जी, देखिए मैं बता दूं धर्मराज जी, आज कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री का दूसरा दिन है और कल शाहबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। और अगर मैं बात करूं तो आज मुख्यमंत्री गांव धुराला के अंदर 10:20 पर यहां पर शिरकत करेंगे और लोगों से जन संवाद है जो वो करेंगे। और अगर मैं बात करूं उसके बाद गांव ज्योतिसर है जो यहां पर गांव है उसमें करेंगे और शाम को लगभग 5 गांव अभिमन्यु में जाकर लोगों से जन संवाद वहां पर करेंगे। अगर मैं बात करूं, देखिए जो खुले मंच पर टेंट के नीचे बैठकर हरियाणा के मुख्यमंत्री गांव के लोगों से, गांव के सरपंचों से और सीधी बात करते हैं और उसके बाद जो भी समस्या होती है उसका भी मौके पर हल किया जाता है। जो गांव के विकास की बात करते हैं, कोई काम अधूरा पड़ा है, कोई नहीं हुआ है, किसी अधिकारी ने कोई काम नहीं किया, उसको भी लेकर सीएम बात करते हैं और वही मौके पर ही कई जो काम होते हैं उनका निपटारा करवाते हैं। अगर कोई मामला रह जाता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। ये बात करें तो कुरुक्षेत्र में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, जनता कहीं ना कहीं गांव की इकट्ठी हो जाती है और अपनी बात रखती है। जी, हम मुख्यमंत्री के इन कार्यक्रमों की तैयारियां कैसी हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूँ धनराज जी, तैयारियां बहुत अच्छी हैं और गांव में पूरा टेंट लगाकर गांव के लोग, जैसे बात करते हैं गांव में देसी खाट होती है उस पर बैठ जाते हैं, कोई कुर्सी नहीं होती है, पीढ़े पे बैठ जाते हैं, जो पानी होता है वो भी मटके का पीते हैं। अगर मैं बात करूँ आज जिस तरह से मौसम खराब है, सुबह से कुरुक्षेत्र के अंदर बरसात है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मौसम के कारण जो आज प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि वो प्रोग्राम खुले में कैसा होगा। फिलहाल अभी 10:20 पे ये प्रोग्राम होगा। अभी कुरुक्षेत्र के अंदर थोड़ा बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बरसात हो रही है। जी, और मौसम खराब है तो जो व्यवस्थाएं हैं उसमें किस तरीके के चेंजेस किए गए, क्योंकि ये जो जनसंवाद है ये तो खुले में एक तरीके से हो रहा है, तो उसके लिए कुछ अलग तरीके से बंदोबस्त किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जैसे कि कल गांव नलवी के अंदर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जन संवाद वहां पर कर रहे थे, अचानक बरसात आ गई, वहां पे भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि टेंट था खुले में था। और आज भी देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरह से वहां व्यवस्था करता है, क्या किसी छत के नीचे प्रोग्राम होगा या जो टेंट है उसको पक्का किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी कुरुक्षेत्र में बरसात चली हुई है। जी, और लोगों में किस तरीके का रिस्पांस है जब मुख्यमंत्री उनके बीच जा रहे हैं और बहुत छोटी छोटी सभाएं हैं, क्योंकि एक एक जगह में मुझे लगता है 2-3 पंचायत के लोग ही जुटते होंगे? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि गांव में मुख्यमंत्री जाते हैं, गांव के आसपास गांव भी होते हैं, वहां से भी कुछ लोग आ जाते हैं और गांव के सरपंच है उनसे भी बात करते हैं, जो महिलाओं है जो उनसे भी बात करते हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड है जिनका बीमारी से इलाज हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। ऐसे ही एक मामला कल आया था, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने पैसे ले लिए थे किसी मरीज से, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने आयुष्मान कार्ड होते हुए क्यों पैसे लिए, उस पर भी एक्शन कहीं ना कहीं लिया है। सिविल सर्जन को आदेश दिए हैं कि इसकी जांच की जाए। ऐसे छोटे छोटे जो मामले होते हैं गाँव में लोगों के साथ समस्या आती है वो वहीं पर उनकी सुनती है, गाँव के लोग जाकर सीएम के सामने अपनी बात रखते हैं और बड़ी आराम से बात रखते हैं, वहां पर उनका वहीं निपटारा होता है, जो अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि ये अच्छी पहल देखने को मिल रही है, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके तक अधिकारी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं, नहीं उनकी सुनते हैं, लेकिन अब उनको मंच मिला है कि अपनी बात मुख्यमंत्री तक रख रहे हैं। मुख्यमंत्री का यही कहना था कि कहीं भी कोई भी लापरवाही मिली कि 24 के अंदर अंदर उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करूंगा, ये खुले मंच पर मुख्यमंत्री बोलते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन आपका।